हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मेरे देखिए 12 इंच के पॉट में लगी हुई है कनेर की प्लांट। तो बारिश के मौसम में हमारे मिट्टी बैठ जाते हैं, तो मिट्टी वेलरन होनी चाहिए। हमारी पौधों के लिए वेलरन मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अगर वो बैठ जाती तो हरी हरी काई लग जाती, उससे फंगस भी हमारे पौधे में लग सकते हैं। तो बारिश हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी बात है, पर मिट्टी बैठने के बाद हमें गुड़ाई करनी चाहिए। हर पौधे की गुड़ाई करने से हमारे जो पौधे की जो जड़ होती है वो टूटते हैं थोड़े बहुत, तो उससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फिर से नए नए रूट्स डेवलप होते हैं। और आप अगर इस तरह से ऐसे गुड़ाई करें तो हमारे मिट्टी में हवा लगने से, जड़ को हवा लगती है, तो उससे हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। आप भी बारिश के मौसम में गुड़ाई हमेशा करते रहे। हर प्लांट के गमले में गुड़ाई करें। जैसे देखिए ये बहुत हार्ड हो चुकी है, हमेशा हमें गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गुड़ाई करने के बाद एक दो दिन आप इनकी मिट्टी को इस तरह से ही सूखने दे, हवा लगने दे, फिर उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और आप अगर कोई गमले में कटिंग लगाए हैं तो उस गमले में गुड़ाई ना करें। जैसे कि देखिए ये गुलाब के पेड़ आप देख रहे हैं, मिट्टी किस तरह से बैठ चुकी है। तो हमें इस तरह से गुड़ाई करने से धूप भी लगेंगे तो हमारी मिट्टी भी सूखेंगे और फंगस भी नहीं लगेंगे। हरी हरी जो काई लग जाती है, देख रहे हैं, गुड़ाई आप भी बिल्कुल इसी तरह से करें। एकदम वेलडन मिट्टी बनाएं आप अपने पौधों के लिए, भुरभुरी, ताकि पानी इसमें जमे ना, पानी एकदम ड्रेनेज होल से चली जाए। देखिए ये हिबिस्कस की है, इसे भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद एक दिन इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाएंगे तो फिर मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो में शेयर करूँगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र से ज़्यादा फ्लावरिंग आते हैं, हमेशा केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। हमारे पौधों के लिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। बाय फ्रेंड्स।